आजाद हिंदुस्तान में एक मिनिस्टर इस तरीके की नेशनल फ्लैग की बेहुर्मती करता है? ऐसे मिनिस्टर को कैबिनेट में रहने का कोई मॉरल राइट्स नहीं बनता। तिरंगा ऐसा तिरंगा है, उसके लिए हम जान भी देने को तैयार है, हिंदुस्तानी जो तिरंगे से मोहब्बत करते हैं। किसान वहाँ पर जाकर रेड फोर्ट पे, सिर्फ रेड फोर्ट पे जाता है तो उनके खिलाफ देश विरोधी कानून लगाया जाता है। एक मंत्री जो तिरंगे के बारे में खिलाफ बोल रहा है, हटाने की बात कर रहा है, तिरंगे को हटाने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ आज भी वो मंत्री यहाँ पर मौजूद है। डेवलपमेंट छोड़ के सिर्फ लड़ाने का, लड़ने का, कलर चेंज करने का, नौकरी और जॉब के बारे में बात करिए। और आरएसएस के 50 साल तक नेशनल फ्लैग को लहराया नहीं गया, इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, सेडिशन चार्जेस बुक किए जाए। ये क्या है, झंडा चेंज करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे मिनिस्टर को रहना नहीं चाहिए और रिजिग्नेशन देना चाहिए। सेकुलर पार्टी, तमाम सेकुलर लोग जो सेकुलर चयन रखते हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपील करता हूँ, आप गायब से बाहर निकलिए। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम भी अपने सीनों को आगे करेंगे। ईश्वरप्पा का जो स्टेटमेंट नेशनल फ्लैग को लेकर जो उन्होंने किया वो कंडेमनेबल है, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ सेडिशन केस बुक किया जाए, देशद्रोही का केस बुक किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान में एक मिनिस्टर इस तरीके की नेशनल फ्लैग की बेहुर्मती करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है, तो ऐसे मिनिस्टर को कैबिनेट में रहने का कोई मॉरल राइट्स नहीं बनता, तो उनको इमीडिएटली सस्पेंड करें और रिजाइन करें। मॉरल ग्राउंड के ऊपर ये डिमांड कांग्रेस पार्टी ने आज किया है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के लीडर प्रियंका खड़गे साहब ने कल ही ट्वीट कर बताया है कि ये लोगों ने जो डिसरेस्पेक्ट ईश्वरप्पा ने किया है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। जो आरएसएस, जब हमारा इंडियन फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया हिंदुस्तान के लिए, तो आरएसएस का ऑर्गेनाइजर ये कहता है, सर संचालक ये कहता है कि ये देश के लिए अपशुभ है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। और आरएसएस के 50 साल तक नेशनल फ्लैग को लहराया नहीं गया, तो ये आरएसएस की सोच इसके पीछे है, जो गंदी सोच इसके पीछे है, तो हम इसको कंडेम करते हैं और रिजिग्नेशन का डिमांड करते हैं, और डिमांड ये करते हैं कि इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए, सेडिशन चार्जेस बुक किए जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयदेव गुत्तेदार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में आज ये प्रोटेस्ट रखा गया था, जो बीजेपी के एक बड़े लीडर और जो पढ़े लिखे हैं, जिनको आवाम चुन के लाई है, वो आज ऐसे बातें कर रहे हैं। तिरंगा जो हमारे तिरंगा ऐसा तिरंगा है, उसके लिए हम जान भी देने को तैयार है, हिंदुस्तानी जो तिरंगा से मोहब्बत करते हैं। ये नालायक आदमी है जो तिरंगे को निकाल के दूसरा तिरंगा चढ़ेंगे, भगवा कलर का झंडा, तो ऐसे लोग को दिमाग नहीं है। तो ये सिर्फ डेवलपमेंट छोड़ के सिर्फ लड़ाने का, लड़ने का, कलर चेंज करने का, नौकरी और जॉब्स के बारे में बात करिए। ये क्या है, झंडा चेंज करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे मिनिस्टर को रहना नहीं चाहिए और रिजिग्नेशन देना चाहिए इमीडिएट। नहीं देंगे बोले तो हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे ईश्वरप्पा जैसे लोग ऐसे आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे,
मगर इनका कुछ होने वाला नहीं है। हमारे लीडर्स सिद्धरामैया साहब के नेतृत्व में, डीके शिवकुमार साहब के नेतृत्व में, हमारे तमाम एमएलएस जैसा कि प्रियांक खड़गे साहब हैं, अजय सिंह साहब हैं, मैडम कनिष फातिमा हैं, तमाम लोग पिछले 3 दिन से असेंबली में बैठी हुई हैं। दिन रात का धरना वो वहीं रह रही है, वहीं दिन रात का धरना दे रही है। हमारा डिमांड ये है सीएम से और मोदी से कि जल्द से जल्द ईश्वरप्पा को उनकी कुर्सी से निकाले और पार्टी से भी निकाले। अगर नहीं निकालेंगे आने वाले दिनों में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर यह धरना और हर गली गली में ये धरना दिया जाएगा। क्योंकि आप देखो थोड़े दिन पहले बेलगाम में कुछ बच्चे अपने कॉलेज में जा कर, बीजेपी के जो उनकी स्टूडेंट की विंग है वो कॉलेज में जाकर तिरंगा झंडा निकाल कर है ना वहाँ पर एक गेरू झंडा लगा गए। ऐसी इनकी सोच शुरू से ही, ऐसी ट्रेनिंग इनके पास चल रही है। ये कोई संविधान को मानने वाले नहीं है, ये देश में गलती से पावर में आए हैं तो अब ये यहाँ पर अवाम को पता चल चुका है इनकी सोच क्या है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनको 100% यहाँ से निकालेंगे। ईश्वरप्पा के ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के मंत्री ईश्वरप्पा के वजह करना बोल के हम गुलबर्गा जिला कांग्रेस समिति इसकी तरफ से आज हम प्रोटेस्ट रैली करे हैं। ईश्वरप्पा फ्लैग को, हमारे नेशनल फ्लैग को निकाल के एक केसरी भगवा झंडा चढ़ाना बोल के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, इसके वास्ते हम उनको ये बात को हम खंडन कर रहे हैं। और हमारे पूरे लीडर्स, हमारे कांग्रेस के पार्टी के पूरे MLAs वहाँ विधानसभा में नाइट एंड डे उन्होंने स्ट्राइक कर रहे, इसीलिए हम भी इधर उनके सपोर्ट के वास्ते इसको ईश्वरप्पा को वजह करना, मंत्रिमंडल से निकाल देना बोल के हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के तरफ से ये प्रोटेस्ट आज हम कर रहे हैं। उनको जो आज इसमें शिवमोग्गा में भी एक डेथ हो गया, लेकिन उन्होंने क्या बोलता है, ये मुस्लिम गुंडा करे बोल के बोलते, इनका पुलिस है क्या, इंक्वायरी हो गया इतना जल्दी, एक घूम के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने के लगे बहुत, तो ये गलत बात है। क्यों बोले तो अभी इंक्वायरी नहीं हो गया, कौन है क्या है, अभी पुलिस इंक्वायरी करने के बाद मुलजिम कौन है बोल के मुस्लिम वो ना पकड़ते, पकड़ने के बाद कौन मुस्लिम ये विक्टिम कौन है बोल के मालूम हो जाता, ये पुलिस है ये क्या है पहले से बोल रहे इन, ऐसा बेजवाबदारी मंत्री को इस मंत्रिमंडल से निकल देना चाहिए। क्यों बोले तो हमारे के डीके शिवकुमार साहब को भी ऐसा बात करा उन बाबा वो ये ऐसा निकाला उन, पिताजी का नाम भी निकाले, पिताजी तो नहीं है ऐसा एक निकालने के बाद उन्हें भी हमारे डीके शिवकुमार साहब भी बोले इसका बच्चल भाई बोले तो इसका मुंह वो इसका हरकु भाई भी बोले, बच्चल भाई भी बोले, हमारे डीके हमारे सिद्धरामैया साहब एक्स चीफ मिनिस्टर क्या बोले, इसका माइंड को और ब्रेन इसको जीप को कनेक्शन ही नहीं है बोल के, जवान को कनेक्शन नहीं है इसलिए ऐसा बात करते रहता बोल के बोले। वो जो आज स्टेटमेंट परसों का स्टेटमेंट दिया तो ये 100% इसको कनेक्शन ही नहीं है, इसीलिए ये ईश्वरप्पा को पहला मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए।